नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे, आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज इस हाथ के विषय में आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम बता दूं ये एक मेल हैंड है और इसमें फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आपके सामने व्यक्त करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम फिंगर की लेंथ देख पाएंगे, पूरे पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जिसके कारण एनालिटिकल पर्सनैलिटी ऐसे लोगों में अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलती है। यानी कोई भी अपने लाइफ में स्टेप ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो या प्लान बना रहे हो, उसके पहले खूब अच्छे से सोचते विचारते हैं और हर बात की जानकारी एवं बारीक परख रखने वाले होते हैं। एनालिटिकल पर्सनैलिटी के अनुसार थोड़ा सा जो है शक्की वाला नेचर भी होता है और थोड़ा जो है देखने को मिलता है कि प्रॉपरली किसी काम को करने में ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति बहुत होती है। अदरवाइज किसी काम में जैसे मन नहीं है, थोड़ा भी मन नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं छुएंगे उस काम को। लेकिन अगर किसी काम में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आ गया तो उसको पूरा करके ही आमतौर पर ऐसे लोग मानते हैं और बहुत जिद्दी किस्म के भी देखने को मिलते हैं। फिंगर के बीच में यहाँ जो गैप मेंटेन हो रहा है, ये इंडिपेंडेंट अप्रोच को शो करता है। यानी इनको जो है खुले में जीना, स्वतंत्र जीना ज़्यादा पसंद है। किसी के दबाव में या फिर अंडर में ये जो है नहीं रहना चाहते, एवं किसी का बॉसगिरी इनके ऊपर, अगर कोई अपना बॉसगिरी, लीडरशिप या फिर अपना दबाव डाले या फिर इनके ऊपर चढ़ने की कोशिश करे, तो ये इनसे जो है ये चीज़ नहीं झेल पाएगा और अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना, मस्त मौला किस्म का रहना ऐसे लोगों का नेचर होता है। लिटिल फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक नहीं पहुंची, तो कम्युनिकेशन स्किल ऐसे लोगों में कंपेरेटिवली वीक देखने को मिलता है। शाइनेस यानी शर्मिलापन भी देखने को मिलता है अपोजिट सेक्स के प्रति। प्रॉपरली बात नहीं रख पाना, हिचकिचाहट एवं घबराहट जैसी दिक्कत परेशानी होना या मन के अंदर ही अपने बात को दबा लेना, इस प्रकार का हल्का सा जो है नेचर होता है। वहीं केयरिंग पर्सनैलिटी में भी कमी आती है, यानी चीज़ों को रख करके भूल जाना या फिर उनकी जो है केयर ना कर पाना। यहाँ पर देख पाएंगे कि फर्स्ट फिंगर और थर्ड फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा है, जिसके कारण थोड़ा सा हल्का सा ये जो लाइफ में है अपने, ये थोड़े से ईगोस्टिक रहेंगे या फिर कह सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट इनमें जो है थोड़ा सा जो है ज़्यादा रहेगा। अदरवाइज देखा जाए तो लीडरशिप क्वालिटी एवं टीचिंग क्वालिटीज ऐसे लोगों में अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है। लोगों से काम निकलवाने में माहिर होते हैं और यहाँ पर और बारीकी से अगर हम देखें तो फिंगर के ऊपर जो है सीधी खड़ी रेखा देखने को मिलेगी, जो शो करता है फ्रेंडली नेचर एवं मिलनसार स्वभाव को। तो यह है कि लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ी कहीं ना कहीं आड़ी रेखा भी यहाँ पर है, जो कि अपनों से अनबन एवं मतभेद होने के योगों को व्यक्त करता है। यानी रिलेशन जो है बनेगा अच्छे से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ लोगों से आसानी से टूट भी जाएगा, जल्दी टूट भी जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर इनके अंगूठे के क्षेत्र पे। तो अंगूठे का क्षेत्र यहाँ पर ठीक है, सशक्त है यानी मजबूत है, जिसके कारण जो व्यक्तित्व रहेगा इनका मजबूत रहेगा। दाग जो है चरित्र के ऊपर वगैरह कुछ भी नहीं रहने वाला रहेगा। और पहले जो इनके पर्व की लेंथ है ये ज़्यादा है, जिसके कारण ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति बहुत होती है, यानी एम्बिशियस जो है देखने को मिलते हैं। पाम के साइज की चर्चा करें तो पाम का साइज जो है यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसके कारण ये जो है सीधे सीधे डिनोट करता है कि ऐसे लोगों को जो है बोल करके कार्य करना पसंद होता है। थोड़े से बोलने वाला एक जो है नेचर होता है, और लेकिन ये जो है इसका मीनिंग कम्युनिकेशन स्किल से नहीं होता। यानी बोलने का मतलब, ये मेरे कहने का मतलब है कि लाइफ में कुछ भी करना या जो भी इनको इनकी डिज़ायर है उसके लिए ये पहले खूब बोलेंगे या किसी को भी खूब बताएंगे कि ये करना है वो करना है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आलस्यपन या फिर जो भी रीज़न हो तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं हो पाता। इसीलिए ये जो है बोलने वाला एक नेचर, इसलिए इसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर अब बारी बारी एक एक पर्वत कर सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। तो गुरु के जो है पर्वत से यहाँ पर प्रारंभ करता हूँ। तो गुरु पर्वत यहाँ पर नॉर्मल है, ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन यहाँ जो रेखाओं के द्वारा जो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन रहा है, ये जो है अत्यंत ही शुभ साबित होता है। ऐसे लोगों का समाज में खूब इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलने का योग मिलता बनता है, और शादी के बाद जो है अच्छा प्रोग्रेस मिलने का भी योग मिलता है। यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि जो आड़ी रेखा है ये एक से ज़्यादा सोर्स से अर्निंग की निशानी होती है। मतलब ये है कि अच्छा खासा धन की कोई कमी नहीं रहेगी, धन अच्छी मात्रा में रहेगा। और शनि के क्षेत्र की चर्चा करें तो शनि के क्षेत्र में इस प्रकार से जब भी बॉक्स बने, रेक्टेंगुलर साइन बने, सर्कल
बने। अब जैसे यहाँ पर जो है रेक्टेंगुलर साइन बन रहा है, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे लोग ज़्यादातर जो देख मामलों में देखने को मिलते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव लाइफ ऐसे लोगों की होती है। ऐसा नहीं है कि अप्स एंड डाउन्स या फिर ट्रबल्स नहीं आते जीवन में, लेकिन प्रोटेक्टिव बहुत होती है, यानी सपोर्ट जो है ऐसे लोगों को दूसरों का अच्छे खासे मात्रा में देखने को मिलता है। और प्रोटेक्शन इस प्रकार से होता है कि एक्सीडेंट जो है ऐसे लोगों का जो है आमतौर पर कम देखने को मिलता है, या हम कह सकते हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद भी जो है अच्छा खासा बच जाना, ज़्यादा उससे जो है नुकसान ना होना। प्रोटेक्शन यानी लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें आसानी से मिल जाना, उसके लिए ज़्यादा मेहनत ना करना पड़ना, और खासकर जो है घर परिवार की तरफ से अच्छा सपोर्ट और पैतृक संपत्ति वगैरह मिलने के भी योग प्रबल होते हैं। तो शनि यहाँ पर पर्वत जो है वीक है, लेकिन जो यहाँ पर साइन है वो बहुत अच्छे हैं। अब इनका लक लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ है मून के एरिया से, तो ये है कि फीमेल सपोर्ट एवं अटैचमेंट जो है फीमेल से अच्छा रहने वाला रहेगा। मदर सपोर्ट अटैचमेंट भी अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ बाहरी दुनिया बाहरी लोगों से अच्छा फेम पॉपुलैरिटी एवं वहाँ से सपोर्ट अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पर लक लाइन दो जगह कमज़ोर हुई है। ये जो एज है ये तकरीबन 28 से लेकर के 33 के बीच में थोड़ा जो लक जो है मेजर जो है कमज़ोर हो रहा है, और एक तकरीबन जो है यहाँ पर 47 से लेकर के देन 53 के आसपास में लक जो है वापस से यहाँ पर कमज़ोर हो रहा है। लक लाइन कमज़ोर हो रही है, यानी उस समय लक का थोड़ा सहयोग कम रहेगा। अदरवाइज जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा किया है यहाँ पर शनि माउंट पर इस प्रकार के साइन ने। अब यहाँ पर मैं चर्चा करता हूँ, यहाँ पर बीच में ये जो रेखाएं देखने को मिलेगी ये बहुत शुभ है। ये शो करता है ग्रेट नॉलेज को, यानी ऐसे जो लोग हैं अच्छा खासा ज्ञान अर्जित करते हैं, हम दूसरे लोग इनके पास जो है सलाह मशवरा या फिर इनकी राय लेने आएंगे कि या फिर इनसे जो है सॉल्यूशन जो है मांगने आएंगे। सूर्य के क्षेत्र की चर्चा करें, सूर्य का क्षेत्र अच्छा है, और इस प्रकार की रेखा होना यहाँ पर सीधे सीधे डिनोट करती है कि फेम पॉपुलैरिटी अच्छी खासी मात्रा में मिलेगी, इज्जत शोहरत नाम अच्छा रहेगा, समाज में सोसाइटी में अच्छा खासा जो है रेपो रहेगा। और यह है कि रास्ते पे चलेंगे तो 10 लोग सलाम ठोकने वाले होंगे, इस प्रकार का योग भी रहेगा। बस यही है कि अपनी अंदर की कला को बाहर निकालिए, और इसका प्रारंभ हो रहा है हृदय रेखा से हल्का सा ऊपर, तो ये सब चीज़ बिल्कुल आपको मिलेगा, परंतु थोड़ा सा देरी से। अब आते हैं सीधे हृदय रेखा पे। तो हृदय रेखा जो है इस प्रकार से गुरु से जो है प्रारंभ होते हुए चल रही है, जिसके कारण इमोशनल नेचर जो है देखने को ज़्यादा मिलता है। तो भावुकता थोड़ी ज़्यादा रहेगी, दिल से ज़्यादा सोचने वाले होंगे एवं दिल की जो है ज़्यादा सुनेंगे एवं करेंगे। दूसरों पर थोड़ा जल्दी बिलीव कर जाते हैं या फिर दूसरों के बातों में जल्दी आ जाते हैं, इस पर थोड़ा कंट्रोल रखें। प्रैक्टिकल माइंड जो है रखना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और थोड़ा सा आलस्य को ख़त्म करके हल्का सा जो है एफर्ट्स अपने कार्यों में लगाएं, सक्सेस बहुत अच्छा मिल जाएगा। माइंड लाइन की जहाँ तक चर्चा करूँ तो माइंड लाइन जो है इस प्रकार से निकल के एकदम आर पार हो रही ही है, हथेली के जिस होने के लमसम में है, जिसके कारण अच्छा खासा लॉन्ग स्टडीज एवं स्टडीज में प्रोग्रेस रेट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि माइंड जो है बहुत कैपेबल होता है, इंटेलिजेंट ब्रिलियंट देखने को मिलते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करते हैं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी अपने लाइफ में रहेंगे। यानी सीधे तौर पर लोगों से बात करना, अपनी बात को रखना, ज़्यादा घुमा फिरा करके बात या चर्चा करना पसंद नहीं है। एक और इस प्रकार से लाइन जो है थोड़ी डिक्लाइन हो रही है, जिसके कारण इमेजिनेशन स्किल में आगे चल के जो है इम्प्रूवमेंट होगा, थोड़ा ज़्यादा सोचने विचारने वाला नेचर जो है आगे आपका रहने वाला रहेगा। अब यहाँ पर जो है मैं चर्चा कर लेता हूँ लाइफ लाइन के विषय में। तो लाइफ लाइन जो है इस प्रकार से निकलते हुए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जा रही है। तो लाइफ लाइन का फ्लो तकरीबन जो है यहाँ पर स्मूथ है, जिसके कारण ज़्यादा बिग ट्रबल या फिर अप्स एंड डाउन्स जो बहुत मेजर है वो नहीं रहेगा लाइफ में। और कुछ अगर दिक्कत परेशानी है तो यहाँ पर ये मंगल रेखा है देन राहु लाइन से यहाँ पर जो इस प्रकार से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स देती हुई दिख रही हैं। तो ये जो लाइन्स है जब जब लाइफ लाइन एवं यहाँ पर इनके माइंड लाइन को जो कट कर रही है, ये शो करती है कि ये जब जब जिस जिस एज में यहाँ पर कट कर रहा है, उस एज में ट्रबल्स एवं कोई काम होते होते रुक जाना, अटक जाना, या फिर काम बनते बनते बिगड़ जाना, मानसिक तनाव और अचानक से आने वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको शो करता है। इसके उपाय जो रेमेडीज हैं मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगा क्या करने रहेंगे, अदरवाइज ये जो प्रॉब्लम है ये तकरीबन जो है 32 के एज के आसपास तक चलते रहेगा।
उसके बाद से तकरीबन 30 समथिंग एज के आसपास से एक जो है सपोर्टिव लाइन इस प्रकार से निकली है जिसका एक भाग जो है ऊपर की ओर जा रहा है जो कि एक प्रोग्रेस को शो करता है। तो 30 एज के आसपास में प्रोग्रेस एवं उसके बाद किसी ना किसी का सपोर्ट लाइफ में अच्छा मिलेगा जिसके कारण स्ट्रेंथ मिलेगी लाइफ में, यानी जो भी इनका एम्बिशियस रहेगा या फिर जो भी चीज़ ये पाना चाहेंगे उसको पाने में किसी ना किसी की मदद होना, यानी जब भी ये किसी दिक्कत या मुसीबत परेशानी में पड़ेंगे तो किसी न किसी का सपोर्ट मिल जाएगा जिसके कारण उस दिक्कत परेशानी से जो है निकल जाएंगे। तो उसका ये साइन होता है बहुत शुभ और अच्छा साइन माना जाता है। और मंगल के क्षेत्र की चर्चा करें तो अंदरूनी और बाहरी मंगल दोनों ठीक है, मानसिक बलता और शारीरिक बलता, शारीरिक गठन अच्छा रहेगा। शुक्र के क्षेत्र की चर्चा करें तो अच्छा स्पेस ले रहा है जिसके कारण थोड़ा सा लाइफ में जो है एक्सपेंसेस जो है ज़्यादा रहेंगे। मनी के मामले में देखा जाए तो धन जो है जीवन में अच्छा रहेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमी यही है कि धन जो है प्रॉपरली रुक नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा, लीकेज है, खर्चे जो है थोड़े से ज़्यादा रहने वाले रहेंगे। और यहाँ पर आड़ी रेखा होना शुभ है लेकिन नीचे की तरफ इस प्रकार से ज़्यादा रेखा होना ये जो है सही नहीं होता है, ये थोड़ा अनावश्यक चिंता रेखा है यानी अननेसेसरीज वरीज लाइन जो सीधे सीधे बताती है कि कहीं ना कहीं खुद के द्वारा ही कुछ ऐसे काम हो जाएंगे जो थोड़ा जो है लाइफ में वरीज जो है जिसके कारण ज़्यादा रहेगी। तो थोड़ा सोचना विचारना जो ज़्यादा है उस पर कंट्रोल कर लें, खर्चा जो ज़्यादा हो रहा है उस पर अगर कंट्रोल कर लें, थोड़ा सा अपने आप पर जो है काबू कर लें तो ये सब चीज़ जो है सही हो जाता है। अदरवाइज लग्जरीज एवं सुख सुविधा के साधन दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। केतु माउंट यहाँ पर ठीक है, केतु माउंट पर हल्का सा जो है फिश की आकृति भी बन रही है जिसके कारण ट्रेवलिंग के द्वारा जो है अच्छा सक्सेस मिलने के योग बनते हैं। शेयर मार्केट, डिवेंचर बॉन्ड्स, इन सब में पैसा लगाना भी फायदेमंद साबित होता है। और यहाँ जो मून के एरिया पे जितनी रेखाएं हैं सब ये विदेश यात्रा फॉरेन से लाभ को बताती है। और यहाँ पर इस प्रकार की जो रेखा निकली हुई है ये सब बिजनेस लक है। अब यहाँ पर ये है कि बिजनेस लाइन तो है लेकिन ये लाइन जो है प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा ही हल्की है जिसके कारण इसके असर जो है इतने प्रोमिनेंट नहीं किए जा सकते। अदरवाइज ये मनी ट्रायंगल का साइन होता है और ये सीधे सीधे डिनोट करता है कि अगर बिजनेस के क्षेत्र में ऐसा कोई बंदा जाए तो खूब सक्सेस और ह्यूज अमाउंट में मनी जनरेट करने वाला और फेम पॉपुलैरिटी के साथ साथ सारी इच्छा मनोकामना सब जो है पूरी होने के चांसेस बनते हैं। परंतु थोड़ा प्रोमिनेंट नहीं है ये लाइन इसलिए इसको कंसीडर अभी फिलहाल तो नहीं किया जा सकता। अदरवाइज देखा जाए तो लक जो है ठीक है और आने वाला फ्यूचर जो है ब्राइट है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जो उपाय है रेमेडीज है मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगा और आशा करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें।